अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मेरा नाम दौलत अली है। मुझे आज मोहापाक एकेडमी, इंग्लिश लैंग्वेज एकेडमी में एज ए गेस्ट, इनकी आज सर्टिफिकेशन सेरेमनी थी जिसमें मुझे एज ए गेस्ट इन्होंने बुलाया था। तो बड़ी खुशी हुई स्टूडेंट्स की, कॉन्फिडेंट लेवल देख के, इनकी इंग्लिश स्पीचेस देख के और इनकी परफॉर्मेंसेस देख के मैं बड़ा इंजॉयमेंट हुआ, बड़ा लुत्फ आया। और इन सारी चीज़ों की जो क्रेडिट जाती है ये सर हबीबुल्ला साहब को जाता है, जिन्होंने इस इतने ज़बरदस्त तरीके से एक कम वक्त में इन स्टूडेंट्स को इस केपेबल बनाया। यकीनन हमारे गंगछे में सर हबीब जैसे टीचर्स की अशद ज़रूरत है और इस तरह की प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत है। और हमारे स्टूडेंट्स में बहुत सारे पोटेंशियल्स हैं, इनको जस्ट अपॉर्चुनिटीज़ की ज़रूरत है, इनको प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है मोहापाक एकेडमी यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है, जिसका सबूत आज इस फंक्शन के ज़रिए हमें देखने को मिला। थैंक यू सो मच। है मेरा ताल्लुक बड़ापाइन से है। मैं इंग्लिश में बहुत ज़्यादा वीक थी। मैंने मोहा अकेडमी ज्वाइन किया है, मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई है। और मैं सर हबीब का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया है। और लास्ट में आप सबसे यही गुजारिश करती हूँ, आप सब यहाँ और अपनी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग, अब इंग्लिश इम्प्रूव करें। कोर्स फ्राम दिस अकेडमी बिफोर ज्वाइनिंग मोहापाक इंग्लिश लर्निंग सेंटर आई वॉज नॉट एबल टू स्पीक अ सिंगल सेंटर, बट बाई द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी आफ्टर ज्वाइनिंग मोहापाक English learning center I was not able to speak a single sentence but also speak many thing more in English. Inshallah this course will benefit me greatly in the future. Mera naam Shahzad Sinas hai, mera taluq Khaplu Malali se hai aur मैं आप लोगों से सिर्फ ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि मैं इंग्लिश में बहुत वीक थी और 3 महीने का जब मैंने कोर्स किया तो इसमें बहुत सी चेंजिंग आई और बहुत सी इंग्लिश इंप्रूव हुई। और आप सब से भी गुजारिश है कि आप सब भी यहाँ पर आएँ और इंग्लिश ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश सीखें, कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं और जिसकी वजह से बहुत से फ़ायदेमंद होते हैं। और मैं सबसे ज़्यादा सर हबीबुल्ला का शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उन्होंने हमारे ऊपर मेहनत की और जिसकी वजह से बहुत सी तब्दीलियाँ आएँ। और आखिर में शुक्रिया, मैं हमारी सर हबीब का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने अपने दिल से हमें इंग्लिश पढ़ाया। पहले मैं बहुत ही कमज़ोर थी, अब माशाल्लाह से बहुत कुछ लिख सकती हूँ, ऐसा राइटिंग इसी तरह वगैरह। इसीलिए मेरी गुजारिश है कि आप सब भी इंग्लिश लैंग्वेज मोहापाक इंग्लिश लैंग्वेज ज्वाइन करें। नफसा और मेरा ताल्लुक सलिंग से है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 3 माह की कोर्स कम्प्लीट ही किया है, इसलिए मैं आप लोगों को भी मशवरा देता हूँ मोहापाक इंग्लिश सेंटर में आए और अपना इंग्लिश इम्प्रूव करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम रज़िया है और मैं बरा से हूँ। और मैंने जब एडमिशन लिया मोहापाक इंग्लिश लर्निंग सेंटर में तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से इंग्लिश पढ़ाते हैं और यहाँ के माहौल भी बहुत ही अच्छा है। तो मेरा सजेशन ये है कि सबको कि आप लोग भी ज्वाइन करें एकेडमी में, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें। मुझे इंग्लिश का एक लफ्ज़ भी नहीं आता था, अब अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं इंग्लिश में लिखती भी हूँ और मैं इंग्लिश प्रॉपरली आती भी है। वेलकम गाइस, मेरा नाम सानिया अकबाल है और मेरा ताल्लुक रक्षन से है। मैंने यहाँ पर मोहापाक इंग्लिश लर्निंग सेंटर में 3 साल कोर्स किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी मेरी इंग्लिश इम्प्रूव हो चुकी है। तो मैं चाहूँगी कि अगले साल से आप भी इस एकेडमी को ज्वाइन करें और अपनी इंग्लिश को और भी मज़ीद इम्प्रूव करें। थैंक यू सो मच। मेरा नाम गुनैन अली है, मैं खरखुद से हूँ। मैं इंग्लिश में बहुत वीक थी, मैंने 3 महीना हो गया मैं मोहापाक इंग्लिश लर्निंग ज्वाइन करके और मैंने अपने इंग्लिश में बहुत इम्प्रूव किया है। तो लास्ट में मेरा आप सबसे ये अप्लाई है कि आप लोग भी हाँ है और इंग्लिश ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच। 4 साल से इधर हूँ, यानी कि मैं 9th क्लास में इसे पढ़ रही हूँ, लेकिन पिछले महीने 3 महीने में मैंने ये कोर्स किया है। और मैं पहले यानी कि मैं बोलने के काबिल नहीं थी इंग्लिश, और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत कुछ बोलने के काबिल हूँ और मैं सर हबीब का तो दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू सो मच। बानो है और मेरा ताल्लुक बड़ा पाइन से है। सबसे पहले तो मैं सर हबीब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। मैं इस एकेडमी में आने से पहले मैं ना इंग्लिश बोल सकती थी, ना मैं इंग्लिश में कुछ ऐसे वगैरह लिख सकती थी। इस एकेडमी में आने के बाद अब मैं इंग्लिश बोल भी सकती हूँ और मैं बहुत कुछ लिख भी सकती हूँ। इसलिए मैं सर हबीब का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और आपका भी बहुत शुक्रिया।